आगरा ब्रज क्षेत्र की भूमि ताजनगरी में भक्ति को समर्पित एक फिल्म और दर्ज हो गई है। आरे मूवीज के बैनर तले बनी फिल्म कलयुग के अवतार शिरडी के साईं बाबा की डिजिटल लॉन्चिंग संजय प्रेस स्थित होटल मेट्रो में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश भाजपा सचिव विजय शिवहरे व संघ के आगरा विभाग संचालक व मुंबई से आए फिल्म के लेखक व निर्देशक हेमंत वर्मा ने की। फिल्म इंडस्ट्री में आगरा का नाम अग्रणी रखने में सहयोगी होने के साथ लोगों के मन में भक्ति भाव का संचार करने में मददगार होगा। ऐसी फिल्मों के निर्माण से फिल्म इंडस्ट्री में पर्यटन नगरी आगरा की बेहतरीन लोकेशन का भी प्रचार होता है, जिससे रोजगार की भी संभावना बढ़ती है। फिल्म निर्माता रंजीत सामा ने फिल्म की कहानी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म में साईं की भक्ति की शक्ति को दिखाने का प्रयास किया गया है। साईं के किरदार में साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध सुधीर दल भी नजर आएंगे। मुख्य किरदार में अविनाश और नितिका शर्मा होंगे। सह निर्माता विजय शर्मा, गीत संगीत पंडित दिलीप ताहिर ने दिया है। मुख्य अतिथियों का स्वागत सूरज तिवारी व प्रमोद वर्मा ने साफा व पटका पहना कर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया। साईं की भक्त गरीब महिला की कहानी है। फिल्म निर्माता रंजीत सामा ने बताया कि साईं की भक्त एक गरीब महिला की कहानी है, जिसका जीवन दुखों से भरा है, लेकिन साईं की भक्ति की शक्ति उसे दुख से पार कर देती है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।